न्यूटन के तीन लॉ के बारे में तो पता था, लेकिन आज मैंने चौथा भी देख लिया। ऐसे इशारे करके उसको अपनी तरफ अपने सिलेबस में ले लिया। ए चुप बे। और ऐसे शुरू होती है हर व्लॉगर की आत्मकथा। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, इस भीगी बरसात में घर से बाहर ही निकले थे और हमें पता चला कि हमारी गाड़ी हाईजैक हो चुकी है। अब क्या करते, मंजिल को तो पाना था और मॉल हमें जाना था, एक और गाड़ी का ठिकाना था, उसको लेकर होना हमें रवाना। तो बस फिर निकल लिए। अब कुछ गरीब लोग अपनी महंगी चप्पल पहनकर मॉल में आ चुके थे। अब जैसे तैसे स्वर्ग में एंट्री लेने के बाद हमने भी वहां पर अपनी कला प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कोई भी नहीं दिख रहा भाई, सारा मॉल खाली पड़ो, बिल्कुल सन्नाटो। अब बारी थी अरुण की कला दिखाने की। लगे जैसे कि कुछ भी सब लावणीकरण चलागा अपना घर। अरे कहना क्या चाहते हो? अब हम अपनी आपातकालीन स्थिति को सुधार करने के लिए जा ही रहे थे कि अचानक से दिखा, जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना। यहाँ का इतना सुंदर माहौल देखकर मेरा मन बोला, लेडीज वाला है, वैसा मैं जाना ना चाहिए, पर फिर भी बाहर से ही दिखा रहा हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। शायद उनको पता चल चुका था कि हम आ गए हैं और उन्होंने हमें देखकर स्टोर कर दिया बंद। गजब बेइज्जती है। मगर हम रुकने वाले कहाँ थे? डोरेमोन के सारे गैजेट यूज करने के बाद आखिरकार हमने वो रास्ता पार कर ही लिया। लगा मेरा मजाक। आखिरकार हम उस जगह में आ ही गए थे जहाँ पर हमने दादा परदादा की जितनी भी पूंजी थी वो सारी खर्च करनी थी। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ये कुछ कूपन थे जो हमारे लिए खाली चेकबुक के समान घोषित हुए। अपनी जिंदगी में इतने रंग बिरंगे कपड़े देखकर मैं तो हो गया था औरा बावरा। मैं तुझे देख नहीं रही थी इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा। जैसे तैसे कपड़ों का पहाड़ लेकर मैं पहुंच चुका था ट्रायल रूम में और वहां पर जाके मैंने ज्ञान प्रसारण किया। 1000 रुपए का एक आइटम ले लो और 500 रुपए का आइटम, टोटल 1500 रुपए। 1500 रुपए पे एक कूपन लगेगा और 1500 रुपए का माल हमें मिलेगा सिर्फ 1000 रुपए में। अब शुरू होती है मेरी भी मॉडलिंग। बस बस नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। अभी तक मैंने सुना ही था कि ग्राहक भगवान के समान होता है, लेकिन वहां जाकर मैंने पूर्ण रूप से महसूस भी कर लिया। भाई तुम इतनी हमारी सेवा करी ना, इतनी सेवा कहीं ना करी हो। मगर क्यों? थोड़ा रंग बिरंगा दिखाओ, थोड़ा कटा फटा दिखाओ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। चलो चलेगा, मुंह पर ही डाल के दिखा दो, हम उसको झेल लेंगे। धनिया डाल दो। पट 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 चलो। मैं कह रहा हूँ उस भाई से, मैं भाई ये इतनी सारी पैंट है, इन्हें हम पहन ले भाई, इतने तो और ले, ये 34 नंबर की मिलट, ठीक है। अभी ये सारे कपड़े सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इनको पहनते हैं फटाफट से। हमें ये तो पता था कि हम एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि एक जैसे दिख भी रहे हैं। मेरा पेट ज़्यादा दिख रहा है। क्या बात, ये बात है। चेहरे पे नकली मुस्कान लेके अब मैं जा रहा था उनके बैंक भरने के लिए। A few moments later. भाई ने अपनी प्यासी भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोला, निकालो सारा माल। और मैं बोला, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। यहाँ से शुरू होता है ट्विस्ट। दिए गए लालच में से कुछ पैसे कम पड़ गए थे तो इसलिए हमने जुराब भी देखी, लेकिन वहाँ जुराब समझ में नहीं आई क्योंकि जुराब फट जाती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है, अश्लील है ये लोना। फिर हमारी तरसती निगाहों के मन में लालच आ जाता है और वो आगे की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। दूसरा ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है जब मेरी निगाहें इन लाल लाल बर्तनों पर पड़ी। मतलब ये हंडी है। हाँ, ये कितने की? ये इसी में। हाँ, पे करके। अच्छा, और वो जो दोनों रखे हुए हैं सर, एक गिफ्ट वो है आपका। नहीं आया ना समझ, डोंट वरी, मैं समझाता हूँ अभी। ऐसे यही रह रही थी, बचत कब निकलेगी? 8000 की शॉपिंग पे ये चूल्हा है। ये चूल्हा है सर, ये आपको 899 रुपए पे करते। बाबू बाबू मेरे को माफ कर दो। ये कौन सी कंपनी का है? कुचिया कुचिया। अबे साले कभी। ये अग्नि यंत्र लेने का हमारा पूरा मन बन चुका था और इनको ये भी पता चल चुका था कि हमारे पास और भी धनराशि है। क्या बोला तूने? बस फिर क्या, इन्होंने हमारी मंजिल हमसे 10 किलोमीटर दूर और कर दी। अब हम और भी धनराशि में आग लगाने के लिए विवश थे क्योंकि अब पूर्णतः हम इनके चंगुल में फंस चुके थे, तो ना चाहते हुए भी हमें और अन्य फालतू के कपड़े खरीदने पड़े। मगर हमने भगा दे यहाँ थे, हमने बहुत देर होगी, तुम्हारे 2 दिन की ड्यूटी 1 दिन में करवा दी हमने। सही बात है। कूपन का प्रयोग करके कपड़े सस्ते मिलने के चक्कर में हमने इतने कपड़े ले लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी भाई हमसे बोले,
सर एक आठ टी शर्ट और ले लो तो एक कूपन मिल जाएगा। चीटिंग 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 करता है तू। हाँ जो सही चीज़ है। ओ भाई 3500 बचाने के चक्कर में तो 10,000 को बिल बैठा दे। करे एक आधी टी शर्ट और ले लो, कूपन लगे भाई, कूपन ना लगाना हमने, रहने जा। अब मेरा दिल दिमाग धड़कने सब चीख चीख के चिल्ला रही थी, एक कूपन भाई बहुत भारी पड़ गए। तो पैसों का फंडा इतना बड़ा पड़ रहा था कि बार बार ये बात आगे आ रही थी, 4 रुपए कम पड़ रहे हैं। कितने का हैंकी? 149। 4 रुपए के पीछे 149 रुपए की हैंकी तीन लेनी पड़ेगी। सह लेंगे थोड़ा सा, देख लो भाई। जिस लालच को खत्म करने की चाहत में हम यहाँ आए थे, वो लालच फिर से हमारे हाथों में थमा दिया गया था। इतनी शॉपिंग हमने कर ली यहाँ पर कि भाई ने ना 8-9 कूपन और दे दी कि अगली बार फिर आना कूपन ही तकर। भाई कूपन के चक्कर में मैं नहीं पढ़ने वाला दोबारा से, अब बिल्कुल भी ना। फाइनली वो समय आ चुका था जब उन्होंने अपना दिल खोल कर बोला, ये वो समय था जब मेरी किडनी को हार्ट अटैक आने ही वाला था। फिर मैंने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो अब मेरा सारा ध्यान मटर पनीर बनने वाले इस अग्नि यंत्र पर था, क्योंकि फ्री की चीज छोड़ी थोड़ी जाती है। बात तो सही है। जो ग्राहक भगवान बन चुके थे अब उनकी संतुष्टि की जा रही थी, लेकिन मेरा मन अब भी कह रहा था रेर खाने का पैसा नहीं है तो जा। और जैसे ही मैंने उसको स्पर्श किया मुझे महसूस हुआ कि ए फगुनिया तो हमारी जान है रे जान। और मैं बोला तेरे को इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, कितना चाहते हैं। अब मेरा और फगुनिया का कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था। प्यारी समझ गई। अब हमारे हाथों में सारे नियम और शर्तों के कागज थमा दिए गए थे। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि अब हम कंगाल हैं और अब अपने घर जा सकते हैं। बस हवा निकल गई। भाई बता रहा कम से कम ये हो गया 20-22 हजार रुपए का सामान हो गया था। और डिस्काउंट करके ये हमें पड़े लगभग 900 रुपए का चूल्हा, और इसके चूल्हे के 900 रुपए अलग देने पड़े, और ये पड़ा था 8700 रुपए का कुछ बिल बना था जो कि म्यूजिक। तुम देख रहे हो बिल्कुल सब कुछ चला गया। ये देखो बाहर का सीन, अंधेरा, बारिश में आए तो बारिश बंद हो चुकी है, सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी है और कुछ नहीं है। ये है रिलायंस ट्रेंड्स। तो चलो ठीक है, अभी टाइम हो गया घर जाने का, घर वाले बहुत बहुत मारेंगे आज, क्योंकि आज हम ना आधे घंटे की कह के आए थे और अभी टाइम हो चुका पूरा लगभग 10:30 बज गए होंगे लगभग ना। ठीक है, तो अभी चलते हैं घर पे और आज के ब्लॉग को करते यहीं पर एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खत्म।